हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो हमारी थ्योरम है वो है इफ आइथ प्रॉब्लम होल्ड एज एन इक्वेशन देन द करस्पोंडिंग आइथ वेरिएबल इन ड्यूअल प्रॉब्लम हैव अनरजिस्टिकेट साइन। इसका मतलब है फ्रेंड्स, हमारे पास अगर कोई प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें हमें आइथ जो आई वी इक्वेशन है कोई अनरजिस्टिकेट साइन की है, उसकी जो इक्वेशन दी हुई है, सॉरी इक्वेशन दी हुई है आइथ प्रॉब्लम, तो हम उसकी जो ड्यूअलिटी चेंज करेंगे उसमें जो उसके करस्पोंडिंग आई वाला जो वेरिएबल होगा उसका कोई साइन होगा वो अनरजिस्टिकेट होगा। अब फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए प्रूफ लेट हमने पहले एक मैक्सिमम प्राइमल प्रॉब्लम लेनी होगी। लेट प्राइमल प्रॉब्लम ये ले ली फ्रेंड्स हमने, मैक्सिमम जेड इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए वन वन एक्स वन, सॉरी इसको ले लें सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट सी एन एक्स एन, और हमें कंडीशन ले ली वो है ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए वन एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी वन ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी टू एंड ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए एम एन एक्स एन इज लेस देन बी एम, जहाँ पे एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई बराबर वन टू एन। अब फिर हमने ये प्राइमल प्रॉब्लम ले ली। अब ये प्राइमल प्रॉब्लम है तो पहले हमें इसकी उसमें आइथ भी इक्वेशन भी लिखनी है हमें। ये तो हमने प्राइमल प्रॉब्लम ले ली लेकिन इसमें आइथ भी इक्वेशन भी लिखते हैं, तो वो आइथ भी इक्वेशन में यहाँ लिख देते हैं ए आई वन एक्स वन प्लस ए आई टू एक्स टू प्लस डॉट 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 ए आई एन एक्स एन इक्वल टू बी एन बी आई। फिर से हमने आई में इक्वेशन जो लिए वो इस तरह से लिए कि ये इसमें जो आई वे नंबर की इक्वेशन थी उसको हमने कोई एक इक्वेशन में ले लिया। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। मैक्सिमम जेड है, मैक्सिमम जेड है तो हमें सभी साइन जो चाहिए वो लेस देन इक्वल टू के चाहिए, लेस देन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है तो फिर इस इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू साइन में चेंज करने के लिए लेस देन इक्वल टू साइन में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट फंक्शन वही रहेगा हमारा, मैक्सिमम जेड बराबर सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट सी एन एक्स एन, और सब्जेक्ट टू जो कंडीशन रहेंगी वो हमारे ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी वन ए टू वन एक्स टू प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए टू एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी टू। अब फिर से आई वी इक्वेशन है, इसको एक बार हमने लेस देन इक्वल टू साइन में लिखना है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में लिखना है। पहले हमने लेस देन इक्वल टू साइन में लिखा तो ये हो जाएगा ए आई वन एक्स वन प्लस ए आई टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए आई एन एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू बी आई, ये हो गया। अब फिर से हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं आएगा, लेकिन हमें लेस देन इक्वल टू का साइन चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा और लेस देन इक्वल टू साइन चाहिए, तो हमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वही लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ए आई वन एक्स वन माइनस ए आई टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट माइनस ए आई एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू माइनस बी आई, एंड चलते हुए ये हो जाएगा। बाकी के हमें इक्वेशन हमारी कोई चेंज नहीं होंगी और वो हो जाएगा हमारे पास लास्ट में ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एम एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी एम। फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास, जहाँ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो
एंड आई बराबर 1 to n, आई बराबर 1 to n है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये क्या है, यहाँ पे ए क्या है अपने पास, ए जो है वो है अपने पास a11 a12, इस तरह से a11 a12 डॉट डॉट a1n, a21 a22 a2n और चलते हुए यहाँ पे a i1 a i2 a i n -a i1 -a i2 -a i n और यहाँ पे a m1 a m2 a m n। फिर से ये हमारे पास a है, साथ में हमें b क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास b जो है वो हमारे पास b1 b2 डॉट डॉट bi-bi एंड चलते हुए bm तक है ये। और फ्रेंड्स हमारे पास जो c है वो क्या है हमारे पास, c1 c2 डॉट डॉट cn तक, ये c1 c2 चलते हुए cn तक, ये है फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमें इसकी ड्यूअलिटी चेंज करनी है, तो ड्यूअलिटी चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, a का हमें ट्रांसपोज निकालना होगा, तो a ट्रांसपोज निकालेंगे, b का भी ट्रांसपोज चाहिए हमें, c का भी ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले हम सबसे पहले वो लिखते हैं फ्रेंड्स। a ट्रांसपोज क्या होगा अपने पास, a ट्रांसपोज जो होगा होगा a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 a2m a2n चलते हुए a i1 a i2 a i n -a i1 -a i2 डॉट डॉट -a i n और ये चलते हुए फ्रेंड्स अपने पास ये हो जाएगा a m1 a m2 a m n। फ्रेंड्स ये a ट्रांसपोज हो गया, b ट्रांसपोज होगा, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b1 b2 bi-bi और ये bm, और c ट्रांसपोज होगा, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास c1 c2 cn, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन इस तरह से हो, मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये हमारे पास कंडीशन हो तो इसके हमारे पास ड्यूअलिटी जो होती है वो ड्यूअलिटी में हम इसको चेंज इस तरह से करते हैं, मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू, जो कंडीशंस होती हैं वो ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज ओमेगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ओमेगा ए ट्रांसपोज क्या है, वो ए ट्रांसपोज ये रहा हमारे पास, तो ए ट्रांसपोज को लिख देते हैं a11 a21 a i1 -a i1 a m1, इसी को हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ए को यहीं इसी ए को यहाँ नीचे लिख रहे हैं, तो ये हो गए a12 a22 a i2 -a i2 a m2, a1 n a2 n a i n -a i n a m n। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चाहिए ये ट्रांसपोज हो गया ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट डॉट ओमेगा m ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज क्या है फ्रेंड्स, ये रहा सी ट्रांसपोज, तो ये हो गया c1 c2 डॉट डॉट cn। और फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हमारे पास मिनिमम ओमेगा डी, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास b ट्रांसपोज ओमेगा क्या है, ये b1 b2 b1 b2 bi-bi bm और ओमेगा वन
ओमेगा टू या ओमेगा एम तक। फ्रेंड्स ये हमारे पास ड्यूअलिटी चेंज हो गई, इसको हम और इसे सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी वन ओमेगा वन प्लस बी टू ओमेगा टू प्लस, चलते हुए यहाँ पे आ जाएगा बी वन ओमेगा सॉरी बी आई ओमेगा आई माइनस बी आई ओमेगा आई। फिर इसके करस्पॉन्डिंग बी एक ओमेगा आई और वो आई आई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वन ओमेगा आई डैश, इसके करस्पॉन्डिंग जुड़ेगा वो, उसको हम ओमेगा आई डैश दे रहे हैं यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग एक तो ओमेगा आई होगा एक ओमेगा आई डैश होगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा आई डैश और ये प्लस चलता हुआ बी एम ओमेगा एम, और सब्जेक्ट टू जो कंडीशन होंगी फ्रेंड्स वो हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ए वन वन ओमेगा वन प्लस ए टू वन ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट ए आई वन ओमेगा आई माइनस ए आई वन ओमेगा आई का डैश प्लस डॉट डॉट ए एम वन ओमेगा एम इज लेस देन इक्वल टू सी वन। इसी तरह यहाँ से ए वन टू ओमेगा वन प्लस ए टू टू ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट चलते हुए प्लस ए आई टू ओमेगा आई माइनस ए आई टू ओमेगा आई डैश प्लस डॉट डॉट चलते हुए ए एम यहाँ पे ए एम टू ओमेगा एम इज लेस देन इक्वल टू सी टू। ये चलते हुए यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अपने पास ए वन एन ओमेगा वन प्लस ए टू एन ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए आई एन ओमेगा आई माइनस ए आई एन ओमेगा आई डैश प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये हो जाएगा हमारे पास ए एम एन ओमेगा एम लेस देन इक्वल टू सी एन। फिर से हो गया और जहाँ पे ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आई बराबर वन टू एम, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम इन दोनों कंडीशंस में हमें ओमेगा आई वन दोनों जगह पर है, यहाँ पे भी ओमेगा आई टू है, इस तरह सभी हर रो में यहाँ पे लास्ट में ओमेगा आई एन है, तो हमें ओमेगा आई एन ये ओमेगा आई वन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये हमें ओमेगा आई टू कॉमन ले सकते हैं, इस तरह यहाँ से हम बी आई कॉमन ले सकते हैं, तो ओमेगा आई माइनस ओमेगा डैश रह जाएगा, और जो ओमेगा आई माइनस ओमेगा डैश रहेगा उसको हम नया वेरिएबल दे देते हैं ओमेगा डबल डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी वन ओमेगा वन प्लस बी टू ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा बी आई ओमेगा आई डबल डैश प्लस डॉट डॉट चलते हुए बी एम ओमेगा एम, ये हो गया। और सब्जेक्ट टू जो कंडीशन होंगी वो हो जाएंगे हमारे पास ए वन वन ओमेगा वन प्लस ए टू वन ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट चलते हुए, यहाँ पे हम फ्रेंड्स सिंपली ए वन वन ए आई वन कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, तो ए आई वन और जो ओमेगा आई माइनस ओमेगा आई डैश बचा उसको मैं अलग कोफिशिएंट दे दिया ओमेगा आई डबल डैश प्लस डॉट डॉट ए आई सॉरी यहाँ पे ए एम आई ए एम वन ओमेगा एम इज लेस देन इक्वल टू सी वन। इस तरह ए टू टू ओमेगा वन प्लस सॉरी ए वन टू ओमेगा वन प्लस ए टू टू ओमेगा टू प्लस चलते हुए, यहाँ पे हमने फ्रेंड्स सिंपली ए आई टू कॉमन ले रहे हैं, तो ए आई टू और जो ओमेगा वन माइनस ओमेगा आई डबल आई डैश का हमने साइन दे दिया ओमेगा आई डबल डैश प्लस ये आ गया हमारे पास, ये चलते हुए ए एम टू ओमेगा एम लेस देन इक्वल टू सी टू। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वाला वो होगा वो हो जाएगा ए वन एन ओमेगा वन
प्लस ए टू एन ओमेगा टू प्लस चलता हुआ ये हो जाएगा हमारे पास ए आई एन ओमेगा आई डबल डैश प्लस डॉट डॉट चलते हुए हो जाएगा ए एम एन ओमेगा एम लेस देन इक्वल टू सी एन, जहाँ पे फ्रेंड्स ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई बराबर वन टू एम और आई इक्वल नॉट, ये सॉरी इसको हम जे दे देते हैं, तो आई ओमेगा जे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे बराबर आई टू एम और जे इक्वल नॉट आई, क्योंकि आई की हमारे पास यहाँ पे हमें ओमेगा वन माइनस जो आई बार करस्पॉन्ड आई बार जो फंक्शन है वो आई बारह वाला है हमारे पास। ये ओमेगा आई था आई डबल डैश था, वो ओमेगा आई माइनस ओमेगा आई डैश था फ्रेंड्स, इसका हमारे पास कोई साइन नहीं, वो अनरजिस्टर्ड साइन हो गया, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ओमेगा आई डबल डैश, ओमेगा आई डबल डैश अनरजिस्टिकेटेड, हैंस प्रूफ फ्रेंड, यही हमें प्रूव करना था, ये ओमेगा आई डबल डैश अनरजिस्टिकेटेड है और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फ्रेंड्स।